हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फॉलो स्टडी। फ्रेंड्स, आज SSC CHSL 26 मई सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और जितने भी हमें जीके के क्वेश्चन मिले हैं सभी 100% सटीक है। आज हम इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक दो क्वेश्चन जो छूट गए हैं, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया SSC CHSL 26 मई सेकेंड शिफ्ट में कर्नाटक राज्य में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। देखिए, विधानसभा सीटें पूछी गई हैं, यहाँ पे 224 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद यहाँ पे पूछा जाए तो 75, ओके। अगर विधान परिषद पूछी जाए कर्नाटक राज्य में तो 75 है, यानी कि 75, और विधानसभा सीटें पूछी थी तो 224 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। आर्ट एंड कल्चर से 4 से 5 क्वेश्चन सभी शिफ्टों में मिल रहे हैं, तो आप जरूर से अगले शिफ्ट में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े व्यक्ति, राज्य उनसे संबंधित और कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य से जुड़े हुए हैं, ये आपको जरूर से पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। सोनल मान सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, भरतनाट्यम और ओडिसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है इंदौर घराना की स्थापना के लिए, तो उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो ये तबला वादक हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकाल झील कहाँ स्थित है, तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है बैकाल झील, ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको करवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। अभी इसी शिफ्ट में आप देख लीजिए कितने वाद्य यंत्र, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से और उनसे संबंधित राज्य और शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से संबंधित सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको दिखा दिया, तो पंडित रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सितार से संबंधित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो समुद्री शैवाल में एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगधीरा फिल्म के निर्देशक, जो कि निर्देशक है SS राजामौली ने कौन सा अवार्ड जीता है, इन्होंने मोस्ट ओरिजिनल फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और पर्टिकुलर मालूम है, अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से छूटे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एनालिसिस में करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मिल नहीं पाते हैं। तो अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, कोई क्वेश्चन और छूटा है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस कवि को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ये मैंने कई बार आपको करवा भी रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और ये उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जोगती के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो देखिए मंजिमा जोगांती को मिला है, तो किस ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के जोगती के लिए पद्मश्री पुरस्कार, मंजिमा जोगांती को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, आसियान खेलो 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये चाइना करेगा, यानी कि चीन करेगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेंगे, तो USA, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों देश मिलकर करेंगे, USA, कनाडा और मैक्सिको, ये आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सभी क्वेश्चन जितने भी जीके के मिले 100% सटीक है। अगर आपने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन और मालूम है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा GK GS के ऑफिशियल वीडियोस पाने के लिए और ऑफिशियल नोटिस पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।